उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी देश में सांप्रदायिक दंगे करा सकती है। राजभर ने यह दावा एक अमेरिकी एजेंसी का हवाला देते हुए किया। आपको बता दें कि राजभर बीजेपी के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज के प्रमुख हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजभर ने कहा कि एक अमेरिकी एजेंसी ने यह चेताया है कि बीजेपी की वजह से देश में सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। योगी के मंत्री ने नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर डैन कोट्स की टिप्पणी का हवाला दिया। दरअसल कोर्ट्स ने वैश्विक खतरों को लेकर खुफिया एजेंसी की एक पड़ताल का जिक्र किया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर बीजेपी लगातार राष्ट्रवाद के मुद्दों पर जोर देती रहेगी तो देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। बलिया स्थित बांसडी क्षेत्र के सैदपुरा गांव में एक जनसभा के दौरान राजभर बोले, एक अमेरिकी एजेंसी ने अपनी खुफिया रिपोर्ट में कहा कि बीजेपी की वजह से सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, देश में दंगे हो सकते हैं। उनके मुताबिक लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर न लड़े, दंगों में सिर्फ आम आदमी ही मारा जाता है, न कि नेता। हाल ही में कुंभ मेले के दौरान महंत की बैठकों का हवाला देते हुए बोले कि वे लोग अब दंगा कराने के मूड में हैं। 21 फरवरी से वे दंगे करा सकते हैं। आप सब जागरूक रहे क्योंकि ये लोग खतरनाक लोग हैं। हम चाहते हैं कि लोग शांति से देश में रहे, पर वे वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि साधु संतों और महंतों ने इससे पहले ऐलान किया था कि वह राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या कूच करेंगे। बसंत पंचमी से इसकी शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल न्यूज़।